नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। एक आईटीआई की तरफ से एक जवाब दिया गया कि देश की 62% नदियां भयंकर रूप से, एक बार फिर कह रहे हैं, भयंकर रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। और ये जवाब दिया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने। इनमें माँ गंगा सहित देश भर की 323 नदियां हैं। जी हाँ, 323। 521 नदियों के पानी की मॉनिटरिंग के बाद ये निकला कि 198 नदियां स्वच्छ हैं और उनमें ज्यादातर छोटी नदियां हैं। क्यों होती है नदियों में गंदगी? क्या सरकार की कोशिशें काफी हैं? हमारा कितना योगदान इन सब में है? और आखिर क्यों नदी में मल मूत्र के अलावा मानव और पशुओं के शव और कूड़ा कचरा डाला जाता है? जानने की कोशिश करेंगे लोकतंत्र में। तो देश की नदियां प्रदूषित हो रही हैं, लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकारी फाइलों में कई योजनाएं बनी हैं, लेकिन उन फाइलों पर धूल जमी हुई है। योजनाएं तो बहुत बनाई गई, मंत्रालय बनाए गए, लेकिन ना तो गंगा साफ हुई और ना ही सहायक नदियां साफ हुई। प्रदूषण बढ़ने की बजाय प्रदूषण घटने की बजाय प्रदूषण बढ़ता ही चला गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश की 62% नदियां, पहले ही बताया हमने आपको कि कितनी नदियों में से कितनी नदियां यहां पर खराब हो चुकी हैं, प्रदूषित हो चुकी हैं, यानी साफ तौर पर 62% नदियां प्रदूषण की मार से कराह रही हैं। गंगा यमुना सहित तकरीबन 3 दर्जन बड़ी नदियों की हालत और भी बुरी है, और इनमें प्रदूषण की भी बड़ी वजह सहायक नदियों से आया दूषित पानी है। नदियों के किनारे बसे शहर हैं जिनका पानी नदियों को प्रदूषित कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि गंदगी से मुक्ति कब मिलेगी? देखिए पहले रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। देश की नदियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाढ़ जोड़ रही हैं। ये नदियां इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि इनका पानी जानवर भी नहीं पीते हैं। देश की 62% नदियां पूरी तरह से प्रदूषित हैं। सालों से गंगा यमुना समेत सैकड़ों नदियों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन नदियां जो की त्यों हैं। यूं कहें कि नदियों का प्रदूषण स्तर बढ़ा है, घटा नहीं है। नदियां उद्धार के लिए तरस रही हैं। जो नदियां जीवनदायिनी हैं, जिससे जीवन रेखा चलती है, जो नदियां लोगों की प्यास बुझाती हैं, जिससे खेतों को पानी मिलता है, वो नदियां आज गंदगी की गुलामी से जकड़ी हुई हैं। सरकार दावा करती है कि नदियों को साफ किया जा रहा है, अरबों रुपए पानी में बहाए गए, लेकिन नदियों को गंदगी से मुक्ति नहीं मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिन 521 नदियों की मॉनिटरिंग कर रहा है, उनमें से 62% यानी 323 बेहद प्रदूषित हैं। स्वच्छ पाई गई 198 नदियों में से ज्यादातर दक्षिण पूर्व भारत की हैं। आंकड़ों से तस्दीक हो रही है कि नदियों के प्रदूषण के मामले में सबसे बुरे हालात पश्चिम में और उत्तर भारत के हैं। उत्तर प्रदेश की 4 नदियां स्वच्छ हैं, जबकि 11 प्रदूषित हैं। बिहार में 6 नदियां स्वच्छ हैं और 3 प्रदूषित हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं, जिसमें सिर्फ 7 नदियां स्वच्छ हैं और 45 नदियां अब भी प्रदूषित हैं। उत्तराखंड में 3 नदियां स्वच्छ हैं, जबकि 9 नदियां प्रदूषित हैं। वहीं झारखंड में 7 नदियां गंदी हैं, जबकि 6 नदियां साफ हैं। गंगा यमुना सहित 33 नदियों में प्रदूषण की दर बेहद चिंताजनक है। बोर्ड के मुताबिक नदियों के किनारे बसे बड़े शहरों में ज्यादातर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। सीवेज के अलावा मानव पशुओं के शव फूल पत्तियों के प्रवाह से भी नदियों की ऑक्सीजन घट रही है। यूं तो नदियों की सफाई के सरकारी दावे बहुत रहे हैं, पर तंत्र की लापरवाही से हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि यूपी सरकार सब दुरुस्त कर लेने के दावे कर रही है। नमामि गंगा योजना के अंतर्गत उसकी बहुत चिंता की जा रही है। सारी नदियों के लिए भारत सरकार इसके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, और उसमें कुछ सुधार है, क्योंकि बरसों से जिस तरफ ध्यान नहीं दिया गया था, अब उसकी तरफ, हर उस चीज की तरफ जो जन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई है, और जिनको पोल्यूशन जिसके कारण हो रहा था उसको पोल्यूशन को कम करने के साथ जुड़ी हुई है, सारी चीजों को बड़ी शिद्दत के साथ उसको अटेंड किया जा रहा है। सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। गंगा यमुना की छोटी बड़ी सैकड़ों सहायक नदियां अपने साथ लाई गंदगी इनमें मिला देती है। गंगा की सहायक नदियों में से भागीरथी और अलकनंदा ही स्वच्छ है, बाकी नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। यमुना की सहायक नदियों में चंबल, बेतवा, खासी प्रदूषित हैं। सरकार सिर्फ बात कर रही है, पैसा है, पैसे खर्च नहीं कर पा रही है। तो भाषण में गंगा यमुना की सफाई दिख रही है, सच में यह है सरकार अकर्मणता की वजह से बद से बदतर हालात होते चले जा रहे हैं। आज तक इतने सालों में राजीव गांधी जी ने शुरू किया था गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने का अभियान, फिर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे अपने एजेंडे में लिया।
लेकिन आज तक किसी एक शहर में सारा का सारा कचरा गिरना बंद नहीं हुआ। नदियों की सफाई के नाम पर दशकों से बयानबाजी जारी है। सरकारी खजाने खाली हो रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र की लापरवाही की वजह से नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं। आखिर कब तक नदियां साफ होंगी, कब तक गंदगी से आजादी मिलेगी, सवाल बरकरार है। कुछ दिनों पहले ही एनजीटी ने तलखी जताते हुए कहा था कि सिगरेट की तरह गंगा के पानी के लिए भी चेतावनी जारी करनी होगी, क्योंकि इसका पानी पीना तो दूर आचमन के लायक भी नहीं बचा है। जाहिर सी बात है, जमीनी हकीकत नदियों की सफाई से जुड़े तंत्र को आईना दिखा रही है और सरकार की नीत और नियत पर सवालिया निशान लगा रही है। कैमरा पर्सन सैफ और सहयोगी अवनाश मिश्रा के साथ ज्ञानेंद्र शुक्ल, एपीएन लखनऊ। तो आप सोचिए कि वो स्थिति कैसी होगी जब, जैसा कि हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ ज्ञानेंद्र शुक्ला बता रहे थे कि जैसा सिगरेट के बाहर एक चेतावनी छपी रहती है, वैसे ही गंगा नदी के पानी के लिए भी चेतावनी छपी हुई हो सकती है कि यहाँ पर नहाना या फिर गंगा का पानी पीना हानिकारक हो सकता है। स्थिति कैसी होगी ये आप समझ सकते हैं। और लेकिन ये स्थिति बनी क्यों, हम लोगों का इसमें कितना योगदान है, हम लोग कितने जागरूक हैं और सरकार कितनी गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है, जानने की कोशिश करेंगे। कई लोग मौजूद हैं हमारे साथ, तारुफ आपका कराते हैं उनसे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज लोकतंत्र में मौजूद हैं अमीक जमई जी, साथ ही हमारे साथ रिद्धि गौर जी पर्यावरणविद हैं, मौजूद हैं हमारे साथ। तायरा हसन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सीमा मलिक जी एनसीपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं रिद्धि गौर जी आपसे करना चाहूंगा। पहले भी गंगा जी को लेकर जब चर्चा चल रही थी तब भी मैं आपसे मुखातिब हुआ था, आपसे बातचीत हुई थी। और आपको क्या लगता है रिद्धि गौर जी, क्या हालात यहां पर जो बने हैं उन पर सरकार काबू करने में सक्षम हो रही है? हिमांशु जी बताएं कि अभी तक जो भी 10-20 सालों से मैंने देखा है, ईमानदारी से काम नहीं किया गया है। अगर नदियों को ईमानदारी देकर जीवनदायिनी है और एसी में कमरों में बैठ करके अधिकारी योजनाएं बना देते हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री जी को बता देते हैं, उसी को पहले इम्प्लीमेंटेशन हो जाता था। अभी बड़ी विडंबना है कि 6.34 हजार करोड़ रुपया 8 साल में आ चुका है और 1500 करोड़ रुपया भी, 1500 करोड़ रुपया करीब अभी पड़ा हुआ है जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हो पाया। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लोगों के लगे नहीं है। जैसे गंगा और यमुना का बताया गया, जब तक इनकी सहायक नदियां नहीं शुद्ध होंगी, जब तक गंगा और यमुना को शुद्ध करना बहुत ही असंभव कार्य है। गोमती है, ग्राम गंगा है, घाघरा है, वरुणा है, राप्ती है, इन सब के लिए ईमानदारी से काम करना होगा, जो कि कागजों पे ही काम हो रहा है, धरातल के ऊपर काम नहीं दिख रहा। नहीं, लेकिन सरकार तो कुछ और दावे करेगी। सरकार बोल रही है बहुत सही काम हो रहा है और नितिन गडकरी जी की तरफ से ये बात कही गई कि गंगा को देखते हुए कि मार्च 2020 तक पूरी तरह से ये स्वच्छ हो जाएगी, और ये अभी कुछ वक्त पहले की बात है, कुछ महीने पहले की। हिमांशु जी, मैं अगर लखनऊ की गोमती की बात करूं तो एसटीपी अभी तक नहीं लग पाए। 28 नाले बंद नहीं है, रोज उनके ऊपर एक ना एक प्रयोग हो रहा है, नया नया प्रयोग होता है कि इस तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, इस तरीके से ट्रीट किया जाए, पर सब असफल है। पिछली सरकार आई अखिलेश जी वाली, उसने 2000 करोड़ का बजट, पर उसने दीवार बना दी पूरी। नाले डाइवर्ट करना उन्होंने भी नहीं समझा। नाले जब तक डाइवर्ट नहीं होंगे, नालों का शोधन नहीं होगा, जब तक बड़ा असंभव कार्य है। कल की घटना बताऊं, कल सुबह मैं जब गोमती गया संडे को, तो मछलियों में ऑक्सीजन की बड़ी कमी हो गई थी। मछलियां ऊपर आ रही थी ऑक्सीजन लेने के लिए और लोग उन्हें मार रहे थे। मैंने कई पत्रकार मित्रों को फोन किया और पुलिस को फोन किया, तब वो जाकर के रुक पाया। मतलब हर हफ्ते या हर 15 दिन या 20 दिन में ये घटनाएं होती रहती हैं कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो मछलियां सांस लेने के लिए ऊपर आती हैं, तो लोग उन्हें मारते हैं। जीव जंतु अगर नदियों में बचे रहेंगे तो पानी को शुद्ध करना बड़ा आसान हो जाएगा। बहुत गंभीर पहलू हैं और ये गंभीरता यहाँ पर समझी जा सकती है कि तमाम नदियां, आप भी अपने आसपास, हमारे दर्शक भी देखते होंगे अपने आसपास की नदियों में कि कितनी गंदगी वहां पर, कहीं पर प्लास्टिक के बैग, पॉलिथीन, कहीं पर मवेशियों को नहलाया जा रहा है, कहीं पर गंदगी वहां पर की जा रही है। और गंगा जी के हालात तो ऐसे है कि वहां पर शवों को बहा दिया जाता है,
तो ऐसे में तो हालात यहां पर सुधर नहीं सकते, नदियां और ज्यादा दूषित होंगी। अभी तो यही आंकड़ा निकल के सामने आया है, लेकिन आगे क्या हो सकता है एक बार फिर से बता दें दर्शकों को कि 521 नदियों के पानियों की इसमें जांच की गई, जिसमें से सिर्फ 198 नदियां ही यहां पर स्वच्छ मिली और उनमें भी ज्यादातर छोटी नदियां यहां पर हैं। अमीक जमी जी, आप किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश के भी हालात सही नहीं है, इससे अच्छे तो बिहार के हालात निकल के सामने आते हैं, जहां पर जो स्वच्छ नदी है उनकी तादाद ज्यादा और जो प्रदूषित नदियां उनकी तादाद कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टा है। हिमांशु जी देखिए, गंगा को लेकर जो 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 बातें प्रोफेसर जी डी अग्रवाल साहब गुजर गए, जो जो उन्होंने आंदोलन चलाया था, जो कुछ वो कह गए, उसके बाद देखिए काम तो सरकारों को करना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ गंगा मैया की बात करूं, हाँ जी, तो हमारी जो उमा भारती जी हैं, जो इसके लिए स्पेशली जो है एक मंत्रालय क्रिएट किया गया और 20,000 करोड़ का बजट जो है उनके मंत्रालय में मुंतखब किया गया कि गंगा की सफाई होगी और नमामि गंगे के तहत एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी से लेकर उन्होंने गंगा के बारे में क्या बोला है। अभी कुंभ होने वाला है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। आप जानते हैं कि हमारे श्रद्धांजलु जो लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, वो उस पानी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, वो पानी बतौर अकीदत के वो अपने घर नहीं ले जा सकते हैं। तो इस 4.5 साल की सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि मुझे बनारस में मैं आया हूं ना बुलाया गया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। हम ये कह रहे हैं कि चलो भैया आप कोई काम नहीं कर पाए, एक छोटा सा काम कर लेते कि माँ गंगा से जो एक वादा किया था साफ करने का, वो जो पैसा जनता का 20,000 करोड़ था, आप अगर गंगा की सफाई में लगा देते, जैसे कि जो हमारे पर्यावरणविद जी हैं उन्होंने बताया कि पैसा ही नहीं खर्च किया गया। सवाल ये कि वो पैसा किस लिए था, अगर वो सही जगह इस्तेमाल होता आज गंगा की ये हालत नहीं होती। और अगर आप गोमती पर आ जाइए, जिसकी बात अभी इन्होंने जिक्र किया, मैं इनकी बात को बहुत ठीक है सराहना करता हूं, लेकिन आप जानते हैं, आपने भी कई बार रिपोर्ट दिखाई है कि सीवेज बनाने के साथ साथ जो है रिवर फ्रंट का जो पूरा आइडिया लखनऊ में डेवलप किया गया, उसके बाद लोग गोमती के किनारे जाना शुरू किए, परिवार जाने लगे, उसके नजदीक बैठने लगे, उसका पानी इस्तेमाल करने लगे, लेकिन योगी जी को लगा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की आप जांच बैठाए हुए 1.5 साल हो गया, आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन आज मैं सुबह गया था दीक्षित भाई, आपको हैरत होगी कि गोमती नदी में आप नाक बंद करके उसको देखना पड़ता है, आप जो है पानी यूज नहीं कर सकते, इतनी गंदगियां योगी जी के घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। तो ठीक है, हमारे हम कुछ काम करके गए जो कर सकते थे, उस काम को योगी जी कंटिन्यू करते तो आज गोमती तो साफ होती। तो हमें लगता है कि सरकारों के पास जुमले हैं, कोई विजन ना गंगा मैया के लिए, ना हमारी नदियां जो जीवन है, हमारी जिंदगियां हैं, जहां पे सभ्यताएं जन्मी हैं, आज हम जिसकी वजह से हैं, लेकिन हमें लगता है नहीं है कि कोई भी जो है इसको लेकर आज की जो सरकार है वो चिंतित है। ठीक है अमित जमी जी, और भी कई चीजें हैं, उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करूंगा आपसे, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी मैं शुरुआती तौर पर सभी का एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। डॉक्टर सीमा मलिक जी, आप किसको जिम्मेदार मानती हैं कि आज नदियां इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि लोग परेशान हैं, लोग अगर उन नदियों में नहाते हैं या फिर उनका पानी पीते हैं तो उनको बीमारी हो जाती है, कई लोगों की जान पर बनाती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि कुछ काम नहीं किया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमारे सब सह प्रवक्ता ने बोला है कि जब आए तो उन्होंने बोला कि गंगा माँ ने हमें बुलाया है और एक इतना बड़ा मंत्रालय बना, उमा भारती जी आई और एक बहुत अच्छा बजट उसको दिया गया, पर जो कुछ हुआ वो आज सबके सामने है कि लोग, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं कि शायद सिगरेट के ऊपर जैसे लगाना पड़ता है उस तरह से आज गंगा के पानी पर भी लगाना पड़ेगा। तो इसका रीज़न तो यही है कि काम कुछ हुआ नहीं, और जो हुआ भी उसमें जो अगर हम गंगा की बात करते हैं तो जीडी अग्रवाल जी की बात करे बिना हम नहीं रह सकते हैं, जिन्होंने कि अपनी जान दे दी इस प्रोजेक्ट के लिए। एक बहुत ज्ञानी बंदे थे वो, आईआईटी के प्रोफेसर थे और मेरे ख्याल से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल के मेंबर थे और काफी उनको नॉलेज थी। तो इसलिए आप कहते हैं विरोधी लोग आपका विरोध करने के लिए कह रहे हैं, पर जैसे जो इतने मतलब नॉलेज वाले लोग हैं जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कम से कम उनकी बात तो सुनना चाहिए।
उनके मरने के बाद आप ट्वीट कर देते हो कि उनके मरने का मुझे बहुत दुख है और उनको हमेशा याद किया जाएगा, तो उससे तो कुछ नहीं होता। उनका पहला यही था कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको बंद करा जाए, पर इस पर हमारी सरकार ने कुछ भी बिल्कुल, मैं कहूँगी कि संवेदनहीन सरकार है जिसने कि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, अगर आप देखिए मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं हर रिवर के लिए जिनको कि जो जिस पे कहीं खड़े नहीं उतरते हैं। आज आज जो गंगा का पानी है वो हाथ धोने के लायक भी नहीं है शायद, ये वाली हाल हो गई है कि कपड़े नहीं धो सकते लोग उसमें। और ये कहना कि वहाँ शव बहाए जाते हैं, ये तो उस पर कौन कंट्रोल करेगा? उस पर कंट्रोल तो यहाँ की गवर्नमेंट ही करेगी ना, या कौन करेगा उसको जी? उसको करने के लिए कोई और तो नहीं आएगा, या लोगों को अवेयर कराना है अगर उनको नहीं पता है? कई लोगों की धार्मिक भावनाएं हैं, लोग पूजा पाठ का सामान फेंकते हैं उसमें या जो भी है, तो उसके लिए हमें उनको करना पड़ेगा। कि जैसे बॉम्बे में ही हुआ कि उन्होंने कुछ यू नो एनवायरमेंट फ्रेंडली जैसे उन्होंने गणपति बनाए, और ये सब चीजें हमें मतलब बतानी पड़ेगी पब्लिक को जो भी है। बाकी जो इनकी जो भी चीजें आप स्टैंडर्ड्स देख लीजिए रिवर के, जैसे कोलीफॉर्म काउंट्स वगैरह होते हैं और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स होती हैं, तो कई स्टैंडर्ड्स होते हैं जिससे कि रिवर को ये देखा जाता है कि ये कहाँ पहुंची। पर अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप तुलसी घाट के आप अगर कोलीफॉर्म काउंट्स दे दिए तो वो 50,000 पहुंच रहे हैं, जिससे कि मतलब कोई भी किसी को भी कोई बीमारी हो सकती है। बिल्कुल, मैं तायरा हसन जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को यहाँ पर जरूर बताना चाहता हूँ, और ये एनजीटी की तरफ से भी जारी यहाँ पर किए गए हैं। जो पानी के सैंपल यहाँ पर लिए गए उनमें हैवी मेटल की जब जांच की गई तो उसमें कैडमियम की मात्रा औसत से 100 गुना ज्यादा पाई गई, कॉपर की मात्रा भी औसत से 100 गुना ज्यादा पाई गई, लेड की मात्रा औसत से 125 गुना ज्यादा पाई गई, मरकरी औसत से 200 गुना ज्यादा, जिंक की बात की जाती है तो वो भी औसत से 2 गुना, ऑयल ग्रीस औसत से 20 गुना ज्यादा, सल्फेट औसत से 1.5 गुना ज्यादा और आयरन औसत से 2.5 गुना ज्यादा। तो अब लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो नदियां उनके आसपास बह रही हैं कुछ को छोड़ के बाकियों का पानी किस कदर प्रदूषित है। अब मैं आना चाहूंगा तायरा हसन जी आपके पास, क्यों ऐसे हालात यहां पर बन गए? साल बीतते रहे, सरकारें देखती रही और हम लोग इंतजार करते रहे कि नदियां स्वच्छ होंगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कि हमारे एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट ने जो बात कही अभी उसको ध्यान दिया जाए तो ये समझ में आएगा कि ये जो एक दूसरे ब्लेम गेम है, ये कोई पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को बिल्कुल साफ नहीं बता सकती। बड़ी शर्म की बात है कि पार्टियां जब सत्ता में रहती हैं तो कुछ नहीं करती, सत्ता से हटती हैं तो बड़ी बड़ी बात करती हैं। एनसीपी की हमारी साथी कह रही है महाराष्ट्र में नदियों का हाल बहुत बुरा है वहां पे, तो इस तरह से नदियां जो है क्यों है ये समझने की बात है। जब ना सीवेज ट्रीटमेंट इन्होंने किया, जो इंडस्ट्रीज है अपना जो डालती है वेस्ट डालती है, वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक यहाँ पर, हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम्स के जो वेस्टेज है वो जाते हैं वहीं पे, वहां पे घाटों पे ग्रीनरी नहीं कर पाई है पूरी तरीके से, और नदियों में इलीगल माइनिंग की तो बात ही नहीं की जा रही है। इलीगल माइनिंग से आप झारखंड में देखिए, दामोदर नदी जो लाइफ लाइन थी वो एक नाला बन के रह गई है। तो इलीगल माइनिंग जो हो रही है वो एयर को तो पल्यूट कर रही है, पानी को भी पल्यूट कर रही है। यहाँ वो लोग हैं, जब हमारे स्पेशलिस्ट ने सही कहा, जो बैठ के नीतियां बना रहे हैं उनको एबीसीडी नहीं पता है, वो एसी रूम में नीतियां बन रही हैं, जिन्होंने एनवायरमेंट पे काम किया है, और खासकर हमारे वो लोग जो वहां पे रह रहे काम कर रहे हैं उनको टेबल पे लाना चाहिए। एक तरफ अगर सरकार बैठे तो उनसे, जो भी सरकारें हो जो भी पॉलिटिकल पार्टियां पावर में हो, उनसे चीजों को समझें, क्योंकि आप देखते हैं जिस तरह से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया है इन्होंने 1990 के बाद, जिस तरह से कॉरपोरेट को आगे ले जाने का काम किया, तो वहां पे क्या हुआ, ये जो इंसेक्टिसाइड आते हैं ये पानी में भी जाते हैं, जो पेड़ों में डाले जाते हैं, वो तमाम नदियां वो तमाम पानी दूषित होता है। तो क्या अब ये हो जाएगा कि जो पैसे वाले लोग हैं जेब में पैसा रखेंगे उन्हीं का अधिकार पानी पे भी होगा? पानी की बोतलें अब ये हो जाएगा सील पानी की बोतलें पिए, यानी गरीबों के लिए ना हवा होगी ना पानी होगी। मेरा मानना ये बहुत खतरनाक सिचुएशन तैयार हुई है, और इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे आके अब एनवायरमेंट को सबसे प्रायोरिटी पे अपने एजेंडे पे रखना होगा। नमामि गंगा बनी, इतना पैसा आया, आखिर उसका क्या है, उसका भी तो पूरा एक हिसाब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। हमारे देश में किसी भी महकमे पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, फॉरेन कंट्रीज में जो सबसे ऊपर होता है उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, हमारे यहाँ जो सबसे नीचे होता है उसको शहीद करके उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाती है। उमा भारती जी को सामने आके बताना चाहिए, किसी भी ये बात कह के कि हम श्रद्धा की बात है,
और ये हमारे धर्म की बात है, ये सब करके लोगों को बेवकूफ ना बनाए। ये जनता जो है उसका अधिकार है साफ, ठीक है, मैं फिर आता हूं। और साफ हवा पे अगर आप पानी भी नहीं दे पा रहे तो ये शर्मनाक है आपके लिए। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह जी भूगर्भ शास्त्री हैं, जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, सरकार कहती है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को इस काम में लगाया गया है कि जो नदियां हैं वो स्वच्छ हो सके, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हो सके, लेकिन हालात अभी जो निकल के सामने आ रहे हैं वो बहुत डराने वाले हैं, कहां कमी रह गई सर? देखिए, हमें ये लगता है कि अगर हम नदियों की बात करें और नदियों को देखें तो सन 1984 से लेके और आज तक मैं सारी नदियों के किनारे घूमा हूं, टहला हूं, गंगा हो, गोमती हो, घाघरा हो, गंडक हो, कोसी हो, यमुना, चंबल, बेतवा, सबके किनारे, और मैंने ये पाया कि सन 84 तक नदियों की जो स्थिति थी काफी अच्छी थी। हम लोग नदियों का पानी, बहुत सी नदियों का पानी, थोड़ा सा पानी ऐसे ऊपर का हटा के और पी लिया करते थे। लेकिन पिछले 15-20 सालों में ये स्थिति हो गई है कि अब हम जब गौमुख में जाते हैं, हर साल जाता हूं मैं 1990 के बाद से, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं, और गौमुख भी जाते हैं तो भागीरथी नदी का भी पानी अब लेके पीने में बहुत डर लगता है, और अब हम लोग मिनरल वाटर वगैरह लेके जाते हैं वहां पे भी पीने के लिए। पिछले 15-20 साल में कुछ इस तरीके से हम लोगों ने नदियों के साथ बर्ताव किया है कि वो नदियां जो जीवनदायिनी थी अब वो समझिए कि विषदायिनी हो गई है, जो वरदान थी वो अब अभिशाप हो गई है। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट था, जो भी डोमेस्टिक वेस्ट था वो हम लोगों ने डाला, जो भी हम लोगों ने मूर्तियां बनाई उनका विसर्जन हम लोगों ने किया, जो भी डेड एनिमल्स थे बहुत से लोगों के 100 भी लोगों ने उसमें विसर्जित करने शुरू कर दिए कि इसको सांप ने काटा या इसको किस किया, इसको उसी में डालना है, जो भी हमारी पूजा की सामग्री थी वो भी हमने नदियों में ही प्रवाहित किया। हम लोगों ने नदियों को संरक्षित करने का, नदियों को अविरल रखने का, नदियों को पवित्र रखने का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन नदियों को गंदा करने का, नदियों को विषाक्त करने का सारा हम लोगों ने प्रयास कर दिया, और इसीलिए जो आपने कैडमियम निकिल की मात्रा बताई, हमने जो अभी गोमती नदी रिवर की क्वालिटी का जो अध्ययन किया है या जो सारी नदियों में हमने पाया है कि जो कैडमियम निकिल, जिंक, कोबाल्ट, ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें या हम WHO के स्टैंडर्ड की बात करें, दोनों से बहुत ज्यादा ऊपर पा गया है। मैं तो एक और चीज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि गोरखपुर में जो इंसेफ्लाइटिस की बात कही जाती है जापानीज, हमने जब वहां की नदियों पे, राप्ती पे और छोटी गंडक नदियों पे मैंने जो केमिकल एनालिसिस की थी, आज नहीं सन 1995-96 में, तो मैंने पाया था कि वहां पे जो टॉक्सिक एलिमेंट है इसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि हमें लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि, क्योंकि मैं कोई मेडिकल डॉक्टर तो हूं नहीं, कि इस टॉक्सिक एलिमेंट्स के कारण हो सकता है कि वहां में ये बीमारी जो है वहां पे एक इपिडेमिक की तरह फैली हुई हो सकती है। हमें लगता है कि सब लोगों ने नदियों को, हम लोगों ने एक नदी की तरीके से नहीं देखा और उसको ये समझ लिया है कि वेस्ट डालने का, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, डोमेस्टिक वेस्ट हो, कोई भी वेस्ट डालने का एक बहुत अच्छा साधन। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, इसलिए ऐसा लगता है कि अभी तक जो बातें कही जाती थी कि जल ही जीवन है, जल्दी ये भी कहा जाएगा कि जल ही जहर है। मैं आप सभी लोगों के पास दोबारा आऊंगा, लोकतंत्र में हम लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक बहुत गंभीर संवेदनशील मुद्दा है और इस पर इसका समाधान निकालना बेहद जरूरी है। बात यहां पर की जा रही है नदियों की सफाई को लेकर, क्योंकि एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की 62% नदियां बहुत ज्यादा भयंकर तौर पर प्रदूषित हो गई हैं। कुल मिलाकर 521 नदियों में से 198 नदियां ही स्वच्छ हैं, वो भी बहुत छोटी नदियां जिन्हें कहा जाता है। हमारे साथ सभी मेहमान यहां पर जुड़े हुए, एक बार फिर रिद्धि गौर साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। ठीक है, कोई राजनीति नहीं, किसी तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, समाधान की बात यहां पर की जाती है। तो समाधान में सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सरकार भी समाधान यहां पर ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे नदियों को स्वच्छ किया जा सके, वो क्या है समाधान? हिमांशु जी, अभी बताओ, जैसे ताहिरा जी ने कहा कि जो लोग पर्यावरण या नदियों के ऊपर काम कर रहे हैं, भूगर्भ जल के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको बुलाना जाना चाहिए। 22 डिपार्टमेंट हैं जिनका कोलैबोरेशन के बिना नदियों का संरक्षण बहुत असंभव चीज है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नगर निगम, सिंचाई विभाग, इस तरीके के ये 22 डिपार्टमेंट मैंने निकाले हैं। अभी एक प्रयास शिवराज जी ने किया था नर्मदा के लिए, एक अम्ब्रेला के नीचे इनको सबको आना पड़ेगा, 2200 डिपार्टमेंट को। देखिये, जैसे जब ताहिरा जी ने बताया जवाबदेही नहीं किसी की, बहुत बड़ी चीज है कि जवाबदेही होनी चाहिए हर चीज की, और 22 डिपार्टमेंट को एक अम्ब्रेला के नीचे लाए, एक आदमी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक हेड बनाए, अब वो सबसे जवाबदेही ले कि गोमती के लिए क्या काम हो रहा है, रामगंगा के लिए क्या काम हो रहा है, राप्ती के लिए क्या काम हो रहा है, सारी नदियों के लिए एक जवाबदेही, उत्तर प्रदेश की नदियों का एक
इनको मानक बनाना चाहिए। एक्चुअली होता है सिंचाई विभाग के लोगों को दे दिया जाता है जी, उन्होंने अपने हिसाब से काम करते हैं, नगर निगम अपने हिसाब से काम करता है, विकास प्राधिकरण अपने हिसाब से काम करता है, और जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, उसकी वजह से वो काम हो ही नहीं पाता। सबसे बड़ी चीज मानसू जी ये कि एसटीपी लगाने वाला। अच्छा, जैसे अभी हमारे ध्रुव सिंह जी ने बताया कि भूगर्भ जल भी, अगर इस आर्सेनिक आपने जो भी मात्रा बताई है इससे भूगर्भ जल भी प्रदूषित हो रहा है जी। कोई हैंडपंप और कुओं का पानी, कुएं तो खत्म ही हो चुके हैं, हैंडपंप भी खत्म हो रहे हैं, तालाब खत्म, और बोरिंग का जो पानी हम लोग निकाल रहे हैं वो भी पीने लायक नहीं है। तो अगर हवा प्रदूषित और जल प्रदूषित हो गया तो जीवन की कल्पना असंभव है। ये हम सबको, नागरिकों को भी समझना पड़ेगा, जनता को भी समझना पड़ेगा, सरकारों को समझना पड़ेगा और अधिकारियों को समझना पड़ेगा कि बिस्लरी कब तक पिएंगे हम लोग। हवा के, अब हवा के आपने देखा कैन आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, आपको हवा स्वच्छ चाहिए तो आप एक कैन खरीद लिए और मुंह में डाल लिए, स्वच्छ हवा ले लिए। पर हम लोग एक विकासशील देश में रह रहे हैं, कैसे जीवन जिया जाएगा? और प्रकृति अगर बदला लेगी तो कितना विभस बंजर होगा, ये सब हम लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा सीमा मलिक जी, आपको नहीं लगता कि गंभीरता से जैसे भूगर्भ शास्त्री हैं, कोई पर्यावरण विद है, अगर इनसे संपर्क करते हुए ध्यान दिया जाता, सरकारें काम करती तो बहुत अच्छा था, लेकिन सरकारें इसी बात पर अड़ जाती हैं, इसी बात पर लग जाती है कि नहीं हम तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन पुरानी सरकारों ने प्रयास नहीं किए, पुरानी सरकारों में कोई विजन नहीं था, हमारी सरकार विजन के साथ काम कर रही है, और इसी का नतीजा है कि आज जल जहर बनता जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, और यही बात एक्चुअली मैं कह रही थी, जो शायद ताहिरा जी ने कुछ और उसमें ले लिया, मैं यही बात कह रही थी कि ऑपोजिशन को ये होता है कि वो अपोज कर रहे हैं, पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कमेटी के मेंबर्स हैं, जो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, जिनको इनकी नॉलेज है, शायद हम लोग को, मैं भी डॉक्टर हूँ, एक लेवल तक मुझे नॉलेज होगी उस बात की जो भी है बैक्टीरिया काउंट और चीज़ों की, पर इनके लिए बहुत एक्सपर्ट्स की राय तो सुननी चाहिए कम से कम गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट हो। और पहली गवर्नमेंट ने क्या किया, अब पहली गवर्नमेंट को हटा के आपको जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है, इतना मैंडेट दिया है, उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि गंगा की सफाई हो जाएगी 5 साल में, तो जनता वाकई सोचती है कि हो जाएगी। तो हम यहाँ पर किसी पे आरोप लगाने नहीं आए हैं, पर ये एक फैक्ट है कि मैं भी यही बात कहती हूँ कि कोई ऐसी समिति संगठन होना चाहिए जिसमें कि चाहे गैर राजनीतिक लोग हों, जो एक्सपर्ट्स हैं वो हों, बेसिकली उनकी बात तो लेकिन सुने गवर्नमेंट, ये बात है। अगर हम उनको भी इग्नोर कर जाएंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर तो कुछ होने वाला है नहीं। और इतना बजट दिया गया, एक तो इतनी सारी योजनाएं हैं कि उनका नाम आपको नौगा पहाड़ा याद हो जाएगा, पर आपको बीजेपी की योजनाएं नहीं याद हो पाती। तो उनमें काम क्या हो रहा है, खाली कागज पे लिखने से 20,000 करोड़ के बजट में से मेरे ख्याल से मार्च 2018 में 4,200 कुछ करोड़ का खाली यूज करा गया है, और बाकी क्यों नहीं यूज हो रहा है। ये सब चीजों के लिए कोई ये नहीं है कि हम अपोज करने आए, पर ये फैक्ट्स हैं आज जो आज हो रहे हैं, और जनता को बहुत उम्मीदें थी कि वाकई कुछ होगा, पर आप हालत बस से बदतर होती चली जा रही है। तो वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या जो भी हो, वो सबके लिए, हम सबके लिए एक बहुत खतरे की बात है ये। और बीइंग अ डॉक्टर मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ, और मैं बड़ी आपकी वो भी करती हूँ कि आपने इसके ऊपर एक एपीएन को मैं बधाई देती हूँ कि आप ऐसी चीजों पर कुछ बहस कर रहे हो, अदरवाइज आप हिंदू मुस्लिम डिबेट से आगे नहीं निकल पाते लोग। हमें हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट नहीं, लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो हमारे भविष्य से जुड़े मुद्दे हैं, आपने तो इसमें, हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमित जमई जी, मैं अब कुछ उत्तर प्रदेश की भी यहाँ पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि एक चीज कही जाती थी गाँव में कि जो गांव नदियों के किनारे होते हैं वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं, वो गांव बहुत खुशहाल होते हैं, खुशकिस्मत ही माना जाता है, लेकिन आज हालात कुछ और हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकलने वाली हिंडन नदी की मैं बात करूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिले बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद से होती हुई यमुना नदी में वो मिल जाती। इस इलाके के आसपास करीब 316 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 221 फैक्ट्रियां, 220 करीब फैक्ट्रियां यहां पर चल रही हैं, और यहाँ के जो लोग हैं ना वो इसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। कोई 6-7 सालों से पेट दर्द से पीड़ित है, कहीं पर किसी की आंत खराब हो गई है। जो बात यहाँ पर की जा रही थी कि हैवी मेटल्स इतने ज्यादा हैं कि लोग परेशान हो गए हैं, और ऐसा नहीं है, 2015 में एनजीटी की तरफ से जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी ये कहा गया था कि इन जिलों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था यहां पर कराई जाए। अभी तक वो हुआ है कि नहीं हुआ है वो राम भरोसे, लेकिन सबसे बड़ी बात, जब ये खतरा पहले ही देख लिया गया था, जब खतरा सभी के सामने था, तो उसको भापते हुए उस पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? नदियों के किनारे इतनी फैक्ट्रियां खोल दी जाती हैं तो सरकार का विजन क्लियर क्यों नहीं रहता है? मैं
ऐसा नहीं है कि मैं सपा सरकार को कोस रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। हिमांशु, प्रोफेसर साहब ने एक बहुत पहले बहुत अच्छी बात बोली थी कि इन 15-20 सालों में जो विकास की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बयार बही, देखिए पूरे देश में 20 सालों में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और नदियों के किनारे जो फैक्ट्रियां और जो रासायनिक खाद बनाने की जो फैक्ट्रियां थी मेजर, वो नदियों के किनारे डेवलप हुई और जाहिर सी बात है कि नदियां जो है हमारी पूरे देश में दूषित हुई। आप क्या कर सकते हैं उसको बचाने के लिए कि जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है उसके खिलाफ आप एक बहुत सख्त एक कानून जो कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जरिए बनता है। और ये अखिलेश यादव जी के जमाने में, मैं ये क्योंकि इस वक्त पॉलिटिक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम नदियों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज के, सुन लीजिए, बहुत सारे फैक्ट्रीज के जो लाइसेंस थे, एनओसीज थे, उनको कैंसिल किया गया, उनको दंडित किया गया और इवन उस कानून को सख्त बनाया गया। उसके बाद जो पानी का स्तर, देखिए प्रदूषण एक तरह का नहीं है, पानी का, जब आप नदियां गंदी होती हैं पानी का स्तर भी हमारा नीचे जा रहा है। अगर आपको ईमानदारी से याद हो हिमांशु, तो पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड भी अगर आप ले लें तो 200 से 300 तालाब एक साथ जो है, क्योंकि अखिलेश यादव एनवायरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा वो सजग रहे हैं, तो ये काम उस वक्त किए गए। मैं इस वक्त इल्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। उमा भारती जी ने कहा कि भाई हमारे पास देखिए पैसे की कमी तो है नहीं, 20,000 करोड़ का बजट था। उमा भारती जी ने कहा था कि 2015 तक अगर मैं गंगा साफ नहीं कर पाई तो मैं जल समाधि ले लूंगी, ठीक है ना। हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, एक पर्यावरणविद मेरे बगल में है और जीडी अग्रवाल साहब तो गुजर गए, मुझे नहीं याद है कि इन तीनों से उमा भारती के मंत्रालय ने कभी भी परामर्श के लिए भी इनको बुलाया होगा। चलो हम लोग राजनीतिक लोग हैं, लेकिन ये जो हमारा सरमाया है, इतने बड़े बड़े लोग समाज में जो पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, सरकार ने इनको कभी जरूरी नहीं समझा कि वो बुलाएं और एक कोई न्यूट्रल बातचीत करके ईमानदारी से जो है कोई बात आके ले जाएं। गंगा बताऊं मैं कि ऋषिकेश से सबसे ज्यादा वेस्ट और गंदगी गंगा में जो बड़ा स्टेक है ऋषिकेश से आती है। फिर आप जब यहां से ऋषिकेश से कलकत्ता तक जाते हो तो परमाणु बिजली घर से लेकर रासायनिक खाद के कारखाने से लेकर ये आपको लाइन में पड़ते हैं। आप शोबाजी के लिए गंगा में या अन्य नदियों में जहाज तो उतारते हो, लेकिन आप इस बात पर नहीं सोचते हो क्या बात है कि नदियों में पानी कम हो रहा है। तो जहाज दौड़ाने के लिए नदी में पानी अलग से पंप से भरा जाता है। तो बेसिकली हमें लगता है कि पैसे की कमी नहीं है, हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो पर्यावरण पे काम करते हैं। सरकार को जुमले उमले छोड़कर ईमानदारी से सबको लेकर, क्योंकि नदियां अगर नष्ट हुई, WWF जो अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पूरे भारत में जो सबसे संकटग्रस्त नदी है वो गंगा है। और मैं एक बात जोड़ दूं, कुंभ होने वाले हैं, हमारी सरकार में मोहम्मद आजम खान साहब कुंभ के इंचार्ज थे, आप लोगों के दुनिया भर में रिपोर्ट चले थे, हमने गंगा में उस मुकद्दस नदी में एक बूंद गंदगी का, गंदा पानी, चाहे वो स्लॉटर हाउस का वेस्ट हो या वो लेदर का वेस्ट हो कानपुर से, हमने उतरने नहीं दिया था। लेकिन आज एनजीटी ने क्या बोला, एनजीटी क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप श्रद्धालु तो पानी को पी भी नहीं सकते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो मान्यताएं हैं पूरे देश में, लोग इंतजार करते हैं कि कोई गंगा में गया है तो वहां से कुछ बूंद पानी लेकर आएगा और वो मैं अपने माथे पे उसको तिलक करके जो है मैं कुछ भगवान से प्रार्थना करूंगी, दुआएं करेंगी। आज गंगा वैसी नहीं बची, ये पूरे देश नहीं, तो यही तो बात है राजनीतिक क्लास के लिए ये बहुत संजीदगी बात है। ठीक है प्रोफेसर ध्रुवसेन जी, मैं एक बार फिर आपसे बात करना चाहता हूँ। शुरुआत में जैसा कि बात यहाँ पर की गई कि उमा भारती जी ने प्रण लिया था कि वो गंगा की पूरी तरह से सफाई करा देंगी, शुरुआत में लगा भी कि सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, एक्शन कमेटी बनाई गई, एक्शन कमेटी बनाई गई, उमा भारती, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, श्रीपद नाइक जैसे दिग्गज वहां पर शामिल हुए। लेकिन अभी कुछ समय पहले निकल के आता है कि महज 15% खर्च किया गया है, बातें दावे काफी कुछ किए जाते हैं, तो सरकार की तरफ से प्रयास कम हो रहे हैं या फिर आम लोग नहीं सुधर रहे हैं? नहीं देखिए, दोनों चीजें हैं। अगर हम सरकार पे जो देखिए, दो तरीके की चीजें हैं अगर हम नदी को शुद्ध करना चाह रहे हैं, एक तो प्रयास है जो कि सरकारी प्रयास है और एक प्रयास है जो कि प्रयास जन सामान्य नागरिक को करना है। जो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल वेस्ट रोकना है
अगर हम बात करें डोमेस्टिक वेस्ट रोकना है, अगर हम बात करें शहरों का जो सीवर लाइन वगैरह जाके उसमें गिर रहा है, तो ये सामान्य नागरिक नहीं कर सकता है, ये तो सरकार को ही रोकना होगा। अब अगर सरकार इन सब चीजों को रोक देती है तो जो थोड़ा बहुत नागरिक लोग करते हैं कि उसमें अगर पूजा अर्चना के बाद जो उसमें फूल वगैरह डालते हैं या जो मूर्ति विसर्जन वगैरह करते हैं, ये सामान्य नागरिक को भी अपने को रोकना होगा। लेकिन अगर हम गंगा नदी के प्रदूषण होने की या किसी भी नदी के, क्योंकि नदियां वो भी प्रदूषित हैं जिनमें की कोई डोमेस्टिक वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं जा रहा है, लेकिन अगर गंगा नदी जहां तक दूषित है तो उसमें अगर हम डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट रोक दें तो नदी कम से कम इस लायक तो हो ही जाएगी कि व्यक्ति उसमें स्नान कर सके, क्योंकि जो जो लोगों के द्वारा नदियों को गंदा किया जा रहा है वो उसका परसेंटेज इतना ज्यादा नहीं है कि नदी इतना विकराल रूप धारण कर लेगी या उसमें टॉक्सिक एलिमेंट जो कैडमियम निकल जिंक कोबाल्ट या उसकी पीएच वैल्यू या उसका टीडीएस या उसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन या उसका बीओडी, ये इतना घट बढ़ जाएगा जो कि सामान्य से बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा। तो हमें ये लगता है नदियों को जहां तक शुद्ध करने की बात है हर व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है, लेकिन उसमें सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। उसके परसेंटेज को अगर व्यक्ति अपना प्रदूषण न डाले तो भी अगर सरकार नियंत्रित नहीं करती है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है डोमेस्टिक वेस्ट है तो नदी गंदी ही रहेगी, वो साफ होने वाली नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि इसमें सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है और जन जन की सहभागिता की आवश्यकता थोड़ी कम है। तो बिल्कुल, अब आम जनता भी कभी ना कभी अपने आप को ठगा महसूस करती होगी जब सरकार इतने बड़े दावे करती है चुनावी भाषणों में, जब नदी को स्वच्छ करने की बड़ी बड़ी कसमें खाती है और उसके बाद हालात ये होते हैं जो वास्तविकता को दर्शाते हैं कि नदी का पानी कितना दूषित होता जा रहा है। ताहिरा हसन जी, गंभीरता सरकार की हालांकि शायद यहां पर नहीं दिखेगी, क्योंकि रिजल्ट नहीं दिख रहा, असर नहीं दिख रहा, तो हम ये भी नहीं मान सकते हैं कि सरकार की गंभीरता यहां पर दिख रही है। लेकिन उसके बावजूद अब वक्त इतना बचा नहीं है कि नदियों को लेकर हम हीला हवाली करें या फिर ठीक है इंतजार करें। अब वक्त ऐसा आ गया है कि अगर अभी कदम नहीं उठाया, अभी सचेत नहीं हुए, तो आने वाले वक्त में बहुत दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले क्या एक्शन लेना चाहिए सरकारों को? बिल्कुल, देखिए जो इंडस्ट्रीज हैं जिनके वेस्ट इसमें आते हैं, अभी आपने भी कहा, उनको बिल्कुल रोकना चाहिए। और मैं बड़ी साफगोई से कहूंगी कि डेवलपमेंट के नाम पर हमने अपनी पूरी जो नेचुरल रिसोर्सेस थे, चाहे वो पहाड़ थे, चाहे वो नदियां थी, चाहे वो तालाब थे, हमने सब तबाह कर दिया। और पूरी तरह से कॉरपोरेट को हम आगे बढ़ाते गए। अगर ये इंडस्ट्रीज, हम यही कह रहे हैं ना कि डेवलपमेंट का ये एक सिंबल है, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, आप उसको हटा के रखिए। मैंने इससे पहले भी कहा था घाट के आसपास ग्रीनरी होनी चाहिए, आप वो भी नहीं कर रहे हैं, आप जंगलों को भी काट रहे हैं। आप दूर मत जाइए, सोनभद्र में कितना डेंस फॉरेस्ट है जहां कन्नर बांध बनने के लिए उसको पूरा खत्म करने की बात है, वहां 132 तो मेडिसिनल प्लांट है। तो आप जब सब ग्रीनरी खत्म करेंगे, आप इलीगल माइनिंग के जरिए या माइनिंग इतनी बढ़ा देंगे कि नदियां पूरी इसके पार्ट जो है घाट सब खत्म कर देंगे, तो क्या होगा, वो नाले बन जाएंगे और आप गंदे नालों को रोक नहीं पाएंगे, वो नदी में आके गिरेंगे। मैं सिर्फ गंगा की बात नहीं कर रही हूं, अगर गंगा को आप बहुत साफ कर लेंगे, नमामि गंगा करके बहुत साफ कर ले, उसके बाद जो नदियां आके मिलती हैं उनका क्या करेंगे आप? आपको उदासीनता, ताहिरा जी यहाँ पर उदासीनता आप ये देखिए जिनको, नहीं ताहिरा जी इसमें उदासीनता यहाँ पर ये देख लीजिए कि जिन दो दलों को यहाँ पर सबसे ज्यादा मुख्य जवाबदेही जिनकी बनती है, जो काफी लंबे वक्त से सत्ता में रही, जो अभी सत्ता में है, वो दोनों ही इस चर्चा से दूरी यहाँ पर बनाए हुए हैं। बुलाने की कोशिश भी की गई और जब बातचीत यहाँ पर की जाती है तो आप ये देखिए कि एक बड़ा मसला, एक बड़ा गंभीर मुद्दा, उसके बावजूद कर गए, अब हम कैसे ठीक करें? और वो कहते हैं हमने बहुत उम्दा किया था, हमने तो बिल्कुल चमका दिया था, नदियां साफ कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। पॉलिटिकल विल अगर हो इन लोगों के पास तो कतई हो सकता है, क्यों नहीं होगा? जंगलों को काट रहा है, कन्नरबाग कब बन रहा था? या अमीर बताएंगे कन्नरबाग कब बन रहा था, ये डेंस फॉरेस्ट को काटने की बात कब हो रही थी? तो सारी जो लोग हैं, सारी पार्टियां, देखिए आप याद कीजिए, अब इस वक्त कहने का वो नहीं है कि सारे लोग कॉरपोरेट के साथ है। इस वक्त कॉरपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल रिसोर्सेस, मीडिया सब कंट्रोल कर रहा है। वो तय करता है क्या डिस्कशन होगा, वो तय करता है कॉरपोरेट की क्या होगा,
सिर्फ बात अच्छा, होगी डमा में गंगा बना दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा मैं समाधि ले लूंगी, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। नहीं नहीं एक्चुअली क्या है कि शायद नेताओं को लगता है शायद नेताओं को लगता है कि चुनावी जनसभाओं में मंच पर माइक पर लाखों लोगों के सामने ऐसी बातें बोल देंगे तो लोगों का भावनात्मक जुड़ाव रहता है नदियों के साथ, तो हो सकता है कि उन्हें वोट मिल जाए, वोट की थोड़ी फसल यहां पर काट ली जाए और यही शायद एकमात्र प्रयास रहता होगा। अच्छा रिद्धि जी हालात हम अभी से ही देख रहे हैं, गंभीरता यहां पर दिखती नजर नहीं आ रही है, यही हालात चलते रहे तो भयावह स्थिति कि पानी बिल्कुल जहर बन जाएगा और लोग बुरी तरह से इससे ग्रसित हो जाएंगे, परेशान हो, वो वक्त कितना दूर और है। हिमांशु जी अभी आपने सहारनपुर की बात करी तो मैं अभी आंकड़े लेकर के आया था। हाँ बताइए सर। वहां का बीओडी लेवल 4.8 था, मतलब 2 से नीचे होना चाहिए, मतलब आशमन लायक तो नहीं है, मतलब नहाने लायक भी पानी नहीं है। और उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा बता रहा है 33 लाख लीटर रोज अपशिष्ट आता है नदियों में, और जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक पिछली सपा से योगी जी की सरकार, इसके पहले बसपा की सरकार, जो शोधन की क्षमता है वो मात्र 70 लाख लीटर पानी की है, 70,000 लाख लीटर पानी की, 33 लाख लीटर पानी डेली आ रहा है और 70,000 लाख लीटर पानी डेली क्योर हो रहा, बाकी का पानी बिना क्योर हुए नदियों में जा रहा। अब आप ये समझिए कि कैंसर, पेट के सारे रोग, आज छोटे छोटे बच्चों का कैंसर से पीड़ित है, ये सब नदियों का प्रदूषित पानी। आज लखनऊ की गोमती की बात करें तो ऐशबाग में आज भी पानी गोमती का 70% लखनऊ की जनता गोमती का पानी पी रही है जी। उसका शोधन किया जाता है, कितना शोधन कर सकेंगे हम लोग, कितना हम लोग दे सकेंगे। लोग कहते हैं बदबू आ रही है, आज बोरिंग के पानी में बदबू आने लगी है, हेल्पलाइन के पानी में बदबू आने लगी है जी। आखिर हम लोग जल कहां से लाएंगे, कि जैसे ताहिरा जी और सब लोगों ने कहा जवाबदेही दोनों की बननी चाहिए, जनता तो जो काम करे, जैसे हम लोग अभी ध्रुव सेन जी ने बताया कि हम लोग जो मूर्तियां लोग लेकर के आते हैं, मैंने मूर्ति बैंक बना रखा है, मैं लखनऊ में मूर्तियां जमा करता हूँ, संडे को इकट्ठा करता हूँ, उनका भूगर्भ जल भूमि विसर्जन कराता हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि नहीं भैया नदियों का पानी खत्म हो चुका है, डालिए। हम लोग कर सकते हैं, पर हम लोग सीवर एसटीपी प्लांट नहीं लगा सकते, हम लोग सीवर को डाइवर्ट नहीं कर सकते। तो ये सब जैसे 3 या 4 चीजें अगर कर दी जाए, हम लोगों से बात नहीं करी जाती, सिर्फ नदियों की ड्रेजिंग हो जाए। ड्रेजिंग का मतलब है उसके अंदर जो सिल्ट है वो निकल करके बालू निकल जाए, एसटीपी बना करके गंदा पानी शोधन करके उसमें डाला जाए और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ेगा नदियों का, हम लोगों के पास टेक्निक, हम लोग 16-20 साल से काम कर रहे हैं और हम लोगों से पूछा नहीं जाता। अगर जीव जंतु मछली कछुए ये सब पैदा होने लगेंगे तो गंदगी अपने आप खत्म हो जाएगी, वो सब गंदगी खा लेते हैं। पर ये सब करने के लिए एसी से निकलना पड़ेगा, गंगा की बात गंगा के किनारे पर निकलनी पड़ेगी, गोमती की बात गोमती किनारे करनी पड़ेगी। नहीं वो करते हैं ना, वो नेता करते हैं वहां पर जाकर, चुनावी जनसभाएं भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन जब गंदगी को साफ करने की बात आती है तो शायद मेरे ख्याल से फोटो खिंचाने के बाद वापस अपने घरों में बैठ जाते हैं और उसके बाद आम जनता के सामने वादे कर दिए जाते हैं और परेशान होती है आम जनता इसी आस में कि कभी ना कभी वो नदियां स्वच्छ होंगी। कोई सुझाव आप भी देना चाहेंगे सीमा जी? जी बिल्कुल सुझाव देना चाहेंगे। ये मतलब ये वाली बात है कि पहले बात तो मैं कहूंगी कि सभी राजनेता खराब नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है, कि हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो। हम भी यहीं रहते हैं, हम लोग की फैमिलीज भी यहीं रहती हैं और हमारे लिए भी ये पानी उतना ही खतरनाक है और ये पॉल्यूशन उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी जितना किसी और के लिए। तो इसमें सुझाव तो बिल्कुल ये है कि एक तो जो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे मूर्तियां जमा करनी, एक तो पब्लिक को अवेयर कराना उसके लिए बहुत जरूरी है, मतलब जो हमारी है। पर ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जैसे कि इनके ट्रीटमेंट प्लांट्स ही हैं, वो ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी लगे हुए हैं और उनसे काम हो रहा है, पर उससे अगर सैंड तो चलो निकल भी जाए एक बार, अगर उनसे कुछ बैक्टीरियल काउंट्स होते हैं, जो कोलीफॉर्म काउंट्स हैं, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उनसे बीमारियां तो फैलती ही रहेंगी। तो इनके जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो एडवांस होने चाहिए, बेसिक बात ये है, और एक्सपर्ट्स की राय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर अपने लेवल पर ही हर काम ना करते रहें और लोगों की बातों को नहीं सुनना, शायद मुझे लगता है शायद सबसे बड़ी कमजोरी रही है, मतलब इस सरकार के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि गंगा के इन्होंने बहुत जोर शोर से ये बात कही थी कि हम गंगा को साफ करेंगे, पर गंगा का क्या हाल है, वक्त से बदतर होता चला जा रहा है, और नदियों के बारे में भी जो भी है।
पर यही बात है, मेन मेरा सुझाव यही है कि एक तो पब्लिक को अवेयर कराइए, दूसरी बात ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ऐसे ही कोई ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दिए जिनसे कुछ हो जाता है कुछ नहीं होता है, सीवेज ट्रीटमेंट्स हैं, ये सब चीजें तो सरकार ही कर पाएगी, ये कोई पब्लिक तो नहीं कर पाएगी। हाँ, पब्लिक को पहले मैंने फर्स्ट ही बोला है कि पब्लिक को अवेयर कराना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं जिनको जो हमें करनी चाहिए वाकई, अगर हम पॉजिटिव नोट पे अगर इसको लेते हैं। हाँ। और नेशनली जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं और इंडो की राय तो बहुत जरूरी अच्छा, है। अच्छा अमित जमी जी, राजनीतिक दल से आप भी ताल्लुक रखते हैं और गंगा नदी के बारे में कहा जाता है कि लोगों की धार्मिक आस्था उनसे जुड़ी हुई है, इसीलिए अगर किसी की जान चली जाती है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनका शव नदी में बहा दिया जाता है, फूल राख और जो भी पूजा पाठ की सामग्री वो भी गंगा नदी में डाल दी जाती है, भले ही इससे गंगा नदी प्रदूषित हो जाए लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं उन्होंने बहुत ज्यादा पुण्य कमा लिया, हालांकि वो कमा पा भी रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा पुण्य कमा लिया। तो आपको लगता है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हाँ धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, लोग इसीलिए उसमें गंदगी फैला देते हैं, वो समझ नहीं पाते और गंगा जी इसलिए प्रदूषित होती रहती है और आगे भी यही हो रहा है? देखिए, धार्मिक आस्थाओं का ताल्लुक भी इसी बात से था कि नदियों से और नदियों के किनारे ही जो सभ्यताएं थी उनका जन्म हुआ, और इसीलिए नदियों को सभी मजहब में धर्म में एक बहुत बड़ी जगह दी गई कि आप उसकी इज्जत करिए। इज्जत ही करना है ना, पूजा करना, अर्चना करना, उसको साफ करना, इज्जत करना ही है। हम पिछले पांच साल चार साल में तो मुझे याद है हिमांशु कि ओखला जो बैराज है दिल्ली से सटा हुआ जो यूपी का बॉर्डर है, वहां से जमुना गुजरती है, मैंने चार साल में उसको अपनी आंखों से साफ होते मैंने देखा है। जो अभी हमारे बगल में जो बैठे हैं पर्यावरण पे काम करते हैं, उन्होंने कहा कि पहले तो नदियों को आप जो है जहां पे जो जमी हुई है नीचे से आप उसको क्लीन करिए। ये काम सिंचाई विभाग का जो मंत्रालय था जिसमें शिवपाल जी जिसको हेड करते थे, पूरे हिंडन से लेकर जितनी नदियां थी वो काम जितना हम कर सकते थे हुआ। और एक एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हमारा आपका नदियों से प्यार नहीं होगा, अगर बच्चों का उससे इंटरेक्शन नहीं होगा, नदियों का रोल उनको नहीं पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो बच्चे कहीं तो जा नहीं सकते। तो एग्जाम्पल के लिए लखनऊ में एक कोशिश करके अखिलेश यादव जी ने, सभी जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सी जगह रिवर फ्रंट के नाम से डेवलप हुई कि जहां पर बच्चे जाएं, बुजुर्ग जाएं, शाम में बैठ सकते हैं, महिलाएं जाएं और बच्चे जाएं, वहां पे मछलियां एक एक साफ दिखती थी वहां पर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे ही सरकार आई, एक तो पूरा बिजली बंद कर दिया, अंधेरा रहने लगा, किसी को नहीं मालूम कि यहां ठीक है। आपको कोई समस्या है पिछली सरकार से, आपको पता है कि उसमें कोई भ्रष्टाचार है तो आप जांच कराइए। जांच हुई सीबीआई की, अखिलेश यादव जी के खिलाफ रिवर फ्रंट में कुछ नहीं मिला। इसका मतलब यह था कि आप काम नहीं करना चाहते हो, आपको ये कि सिर्फ अड़ंगा डालना है। ठीक है अमित जमी जी, आज ये सारी बातें नहीं, क्योंकि आज अखिलेश यादव से आज ये बात साफ तौर पर लगता है कि भविष्य यहाँ पर देशवासियों का खतरे में है। आप मुखालफत करो, आप मुखालफत करो, लेकिन पिछली सरकारों ने जो काम किए थे आप उसको कंटिन्यू रखते। ठीक है प्रोफेसर ध्रुव सिंह जी, कल से जाना शुरू कर दे रिवर फ्रंट पे, ठीक है प्रोफेसर साहब, जाएं तो लोगों का प्यार बढ़ेगा। प्रोफेसर साहब, आपसे और रिद्धि गौड़ जी से बखूबी नहीं समझ सकते लोग बाग की नदियों की हालत इस वक्त क्या है और कितनी परेशानी आने वाले वक्त में इस प्रदूषण की वजह से हमें होने वाली है। आप आम लोगों से कुछ अपील करना चाहें, उनको कुछ सुझाव देना चाहें नदियों को बचाने के लिए, प्रोफेसर साहब? देखिए, मैं हर नागरिक से, आपने बोला है आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, हमें यह लगता है कि प्रकृति हमें मुफ्त में हवा दे रही है जिसमें हम सांस लेते हैं और जीवन यापन करते हैं, प्रकृति हमें मुफ्त में वो पानी दे रही है जिसको हम पीते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, प्रकृति हमें मुफ्त में वो मृदा दे रही है जिसके ऊपर के हम अन्न पैदा करते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो जब प्रकृति हमें मुफ्त में जीने की सारी मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान कर रही है, तो चाहे हम किसी संवैधानिक पद पे हों, चाहे हम किसी सत्ता में हों, चाहे हम किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में हों, चाहे हम इस देश के एक सामान्य नागरिक हों, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रकृति के उस भाग के संरक्षण के लिए सतत जागरूक रहें। जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसका हम नैतिकता से पालन करें, ना नदियों में कचरा डालें ताकि आने वाली पीढ़ी को एक साफ सुथरी पृथ्वी दे सके। बिल्कुल, ना नदियों में कचरा डालें,
और ना ही जिम्मेदारी तो है ही। बिल्कुल है। लोगों को समझना चाहिए कि ना नदियों में कचरा डालें और ना ही किसी को डालने दें। अड़ जाएं अपनी बात पर कि नहीं, नदियों को आप प्रदूषित नहीं करेंगे, यही नदियां हमें आने वाले वक्त में जिंदगी देंगी, अभी भी जिंदगी देती आ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को सफल बनाने के लिए। और मैं तो अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ ये सोचिए कि अगर जल ही जीवन है तब्दील हो जाए, जल ही जहर है तो कैसा लगेगा, स्थिति कैसी भयानक, कितनी खतरनाक हो जाएगी। आपके और हमारे हाथ में ये नदियों को बचाने के लिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य बीमारी मुक्त रहे, तो सबसे बड़ी अगर किसी को कोशिश करनी है तो वो आप हम सब देशवासियों को ही करनी है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।